Yes, welcome students. Today we will start exercise 1.2. In this exercise, we will discuss about rational and irrational numbers. So, real numbers जो होते हैं वो rational और irrational numbers से मिलके बने होते हैं. Rational number, for example, 1, 2, 3, 4, and irrational number जिनकी values हम find नहीं कर सकते, for example, √3, इस type के जो numbers हैं वो कौन से होंगे? Irrational numbers होंगे. तो रियल नंबर्स इन दोनों से मिलके बने होते हैं. नेचुरल होल नंबर, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन लास्ट वीडियो में कर चुका हूं. नाउ वी विल रिप्रेजेंट √2, √3, √5, दिस टाइप ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन. 8 तक आपने नंबर लाइन बनाई होगी और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था किसको? 5, 6, 1/2, 1/3, इस टाइप के नंबर्स को. आज हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट वाले नंबर्स को. फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं √2 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. 0, 1, 2, 3, -1, -2, दैट्स द नंबर लाइन. पहले आप सीखो कि कैसे करना है, आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो देखो, हमें एक चीज हमेशा याद में रखनी है कि √2 आया कैसे. √2 को हम लिख सकते हैं 1+1, लिख सकते हैं. अगर हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. पढ़िए, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होता है? √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. भाई स्क्वायर को इधर ले गए तो √ हो गया, सिंपल सी बात है. ये कुछ इससे नहीं मैच हो रहा. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो थ्योरम है हमारी वो इससे मैच नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है. लेकिन 1 का स्क्वायर लगाने से भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा वो. तो ये थ्योरम, ये जो पार्ट है हमारा, ये इसके कुछ इक्वल हो गया. कैसे? हाइपोटेनियस कितना आएगा? √2. कब आएगा? लेकिन जब हम परपेंडिकुलर भी कितना लें? 1, और बेस भी कितना लें? 1. बात आई समझ में? जब हम परपेंडिकुलर भी 1 ले लें, बेस भी 1 ले लें, ये भी 1 और ये भी 1, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? √2. कैसे आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका √, ऐसी तो आता है. तो ये थ्योरम और ये कंसेप्ट हमको दिमाग में रखना है. जब तक आपकी ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. तो देखो, 1+1 को मिलाकर के हमने √2 यहाँ पे ऐसे बनाया है, तो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 1 and 1. तो इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे. वो कैसे करेंगे? देखो, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. अभी हमने 1, 1 लिया है तो हमें बेस कितना लेना है? 1, ये ले लिया. इतनी ही लेंथ का, इतने ही साइज का क्या लेना है? परपेंडिकुलर लेना है. ले लिया, ये बेस भी 1 है, ये परपेंडिकुलर भी 1 है. तो फिर हाइपोटेनियस कितना आएगा? √2. कितना आएगा? √2. अभी ये रिप्रेजेंट नहीं हुआ क्योंकि रिप्रेजेंट हमें इस लाइन पे करना है, ना कि ऊपर. किस लाइन पे? ये तो है हमारी नंबर लाइन, तो हमें इस पे रिप्रेजेंट करना. तो हम क्या करेंगे? ये जो लाइन है √2 वाली, ये भाई √2 लेंथ की लाइन है, इसको हम इधर पुट डाउन करते हैं, गिराते हैं. वैसे गिरा नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे डॉट में दिखाएंगे कि ये लाइन लगभग इतनी लंबी होगी. तो इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा? √2. देखो, मैं आपको सिंपली तरीके से समझाता हूं. फॉर एग्जांपल, ये √2 की लाइन ये है, √2 लेंथ ये आई है हमारी. इसको मैं इधर 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 ऐसे घुमाता हूं तो इधर भी तो ये √2 ही होगी, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? √2 होगी. तो हम डायरेक्टली इन नंबर्स को हमें नहीं पता कि कहां पे वैल्यूज है. अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू पता होती है तो हम उसको शो कर देते हैं, बट यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. वो इस तरीके से कि √2 आया कैसे? जब हमने परपेंडिकुलर 1 लिया और बेस भी 1 लिया, तब जाके हाइपोटेनियस कितना आया? √2 आया. तो इस तरीके से हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया? √2 को. अब हम कहें कि √3 को कैसे करेंगे. चलो, 2 को तो आपने मान लिया, 1, 1 हो गया, और
थ्री को कैसे करेंगे, वो चीज हमें सीखनी है यहां पे। तो देखो हर बार रिपीट होंगे स्टेप, अंडर रूट टू तक का तो करना ही है आपको, थ्री के में भी। थ्री को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तब भी आपको अंडर रूट टू का करना है, क्यों? क्योंकि थ्री किससे मिलके बना होता है, टू प्लस वन से। थ्री टू और वन से ही तो मिलके बना सकते हैं हम, तो इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। ये बात की है भाई, थ्री किस, जैसे हमने टू बनाया था ऐसे ही हमने थ्री बना लिया। थ्री किस किससे मिलके बना, टू और वन से। अब हमें इनको स्क्वायर फॉर्म में भी लिखना है, तो ये तो वन का स्क्वायर ही हो जाएगा, लेकिन ये किसका स्क्वायर होगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर। ये बात आई समझ में, क्योंकि हम स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं तो टू किसका स्क्वायर होगा। चलो मैं अगले स्टेप में कर देता हूं इसको, कि अंडर रूट थ्री जो है उसको हम लिख सकते हैं। देखो बड़ा वाला अंडर रूट ऑलरेडी है, ये बड़ा वाला अंडर रूट ऑलरेडी है, इसको टू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन को लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर। तो ये हो गया हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने बेस ये लिया था, परपेंडिकुलर ये लिया था, अब हम लेंगे बेस ये, कौन सा, ये वाला। देखो मैं आपको दो तरीके से समझा रहा हूं ये, तो आप इतना तो हमें दोनों ही स्टेप में करना है, ठीक है, इतना तो दोनों स्टेप में ही करना है, और ये भी आपको दोनों स्टेप में ही करना पड़ेगा अंडर रूट टू, टू तक का भी। तो आपको सिंपल सा तरीका एक बता देता हूं, कि अंडर रूट टू तो हो गया, इसके ऊपर यहां पे आप वन वाला परपेंडिकुलर बना दो भाई, बेस तो यही हो गया, बेस तो आप इसको ही मान लो, वन परपेंडिकुलर बना दिया। ये कितने लेंथ का परपेंडिकुलर है, वन लेंथ का। तो फिर हाइपोटेनियस कितने का आएगा, अंडर रूट थ्री का। ये कितना था, अंडर रूट टू, और ये कितना था, वन, ठीक है, हाइपोटेनियस आ गया अंडर रूट थ्री। अब वही काम है, ये अंडर रूट थ्री की लाइन है, इसको इधर 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 पुट डाउन करो, तो इसको कर दो आप ऐसे ऐसे डॉट लाइन में, तो यहां हमारी क्या वैल्यू आ रही है, अंडर रूट थ्री। इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट